ला दिया तुम्हारा दवाई भी रख दिया इतने महीनों से। क्या है बहुत धुआं हो गया था, अबे क्या बोलूं, आग बुझ गया था, थोड़ा सा लकड़ी डालते रहना पड़ता है ना इसके लिए, मेरी हालत खराब हो गई है। आज तो आप लोगों को लाइक करके ही जाना पड़ेगा। ग्रेवी बना है, सब कुछ एकदम हो गया है और नीचे अपना हीट में पक रहा है, सारा निकाल दिए इसका लकड़ी, खाना लग गया है। इधर मेरा है, किसू का है, सगुन का है, इधर पापा खा रहे, पापा एक ही में लिए हैं। पापा कैसा बना है? बहुत अच्छा है पापा, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। चलो खा लो, और जो भी लकड़ी पे बना हुआ खाना खाइए, अच्छा लगता है। हाँ वाकई में अच्छा लगता है, लेकिन इसको लकड़ी पे बना हुआ खाना खाएं। इसको क्या दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी साफ नहीं वरदान है, कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तो इधर कुछ दिनों से आप सब देख रहे हो मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी अपने घरों की साफ सफाई में, और बहुत ज़्यादा, तो अब तो लगभग सारा काम हो गया, जितना काम था घर का, पेंट सेंट इधर उधर, गार्डनिंग वार्डनिंग सब हो गया। तो पापा है ही अभी, और बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कुछ अलग सा करने का मन कर रहा है। और सगुन के आने का भी टाइम हो गया है, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं। और सच तो गई हूँ क्योंकि सारा काम हो गया, तो खुशी लग रहा है बहुत ही सुंदर से। तो क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ किया नहीं जा सकता, तो चलते बाहर बैठेंगे और सगुन का इंतज़ार करेंगे, देखते हैं सगुन आती है फिर सोचते हैं कुछ। अरे क्यों बैठे यहाँ बाहर, मन नहीं लग रहा है बारिश की तरह। लवारिस क्या होता है, क्या है उसमें? ला दिया तुम्हारा दवाई भी रख दिया इतने महीनों से। क्या है दवाई तुम्हारा, क्या है बोलो ना। कुकड़ू को हाँ, इसका मुंह क्या ही लटका है, थक गई है ना दुकान। अच्छा, में बज रहा था तो हाँ, सगुन एकदम सफिशिएंट ला दिए, एकदम अच्छे से, एकदम मसाला वसाला डाल के, एकदम देसी स्टाइल। ठंड का मौसम भी है, बढ़ गया है, प्लस हमारे ला दिए, सफिशिएंट है, बट सब अकेले मत खा जाना, मेरे लिए भी रख देना रात में। तो पापा से मैं तुड़वा रही हूँ लकड़ी, क्योंकि लकड़ियों का ही तो इस्तेमाल होना है आज। तो उस दिन जो सगुन लाई थी वही लकड़ी हमारे पास था, तो उसका अलाव जलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए पापा तोड़ रहे हैं। पापा शूज पहन के तोड़ेंगे, तो पापा शूज पहन लेंगे, पापा रिस्क नहीं लेते हैं। मैं बाबू अपका नहीं हो तुम, वीडियो बनाइए। हाँ वीडियो बना रहे, और वीडियो बना के क्या करें बताइए। देखिए लकड़ी टूट गया, और पापा इसलिए बोल रहे क्योंकि हम पापा को बोले जल्दी करिए जल्दी करिए, इसीलिए क्या था। लकड़ी तोड़ने के बाद पापा सबसे पहले ईंट का चूल्हा बना दे रहे, तो हमारा चूल्हा भी तैयार हो चुका है, और अब चलेंगे अंदर की तरफ क्योंकि अंदर ही तैयारी करना है। मजाक है, मतलब प्याज काटे ना, इसीलिए आँख से आंसू आ रहा है। सब लोग कहता है कि जिसका आँख से आंसू आता है उसको उसकी सास बहुत प्यार करती है, हमारा तो फूटा लाखवा भी नहीं देखना चाहती है। मसाला पूरा तैयार है, देखिए मिर्च है, लहसुन, अदरक, खड़ा मसाला, ये गरम मसाला, ये काली मिर्च और जीरा। चलिए इसको मिक्स करते हैं। सबसे पहले इधर मिट्टी को गीला करके कढ़ाई में चारों तरफ लेप लगाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि यह सब जो धुआं निकलता है चूल्हे से, वो डायरेक्ट कोयले वाला, लकड़ी वाला, वो हमारे ये को ख़राब ना करे कढ़ाई को, और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो चूल्हा जलने का प्रक्रिया शुरू हो गया, पापा बहुत ही मुश्किल से जलाए हैं क्योंकि माचिस नहीं है, दुकान बंद था आज तो नहीं मिला, इसीलिए पापा है सो पेपर जलाते जलाते वहाँ से लाए गैस से भागते भागते, तो बच गया जल्दी जल्दी में। बस तनी तनी लगा, अरे खी बार डाल देंगे, ये ना ही करो, देना ही ना बंद करो, अरे अरे बंद करो, सब आ जाएगा, मांग लेगा चीटर यीशु, भाई भी आना तो सब कहेगा ना, प्लीज मुझे वहां बैठो। दोस्तों अब सबसे पहले डालने जा रहे हैं इसमें सरसों का तेल, और लाइक कर दीजिए वीडियो क्योंकि आज हम बहुत ही रिस्क लेके ये सब काम कर रहे हैं, तो तेल थोड़ा ज्यादा ही जाएगा क्योंकि एकदम बढ़िया सब फ्राई करेंगे। रोक दो सब। तो दोस्तों अब बारी है इसमें तेज पत्ता का, क्योंकि तेल बिल्कुल गर्म हो गया है। अंकल आंटी एक से सुना चलूंगा। तो दोस्तों अब इसी में डालने जा रहे हैं ढेर सारा प्याज, और अब प्याज को बिल्कुल डीप होने तक, लाल होने तक फ्राई करना है। थोड़ा आंच की लपटे ज्यादा है चारों तरफ। अम्मा
लाल होने तक नहीं अम्मा, येलो होने तक। ब्राउन क्या हुआ? हवा बहुत है। तो प्याज देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि प्याज एकदम ब्राउन होने तक हो गया बहुत अच्छे से। तो अब हम लोग इसमें चिकन को डालेंगे। चिकन को बहुत ही अच्छे से हम धो धा के डाल दिए हैं। बहुत धुआं हो गया था, अबे क्या बोलूं, आग बुझ गया था। थोड़ा सा लकड़ी डालते रहना पड़ता है ना इसके लिए, मेरी हालत खराब हो गई है। आज तो आप लोगों को लाइक करके ही जाना पड़ेगा, नहीं लाइक करके जाइएगा तो अच्छा नहीं होगा। कुछ अलग करने का कोशिश किए इसके लिए। अपना ये पानी छोड़ना शुरू कर दिया है काफी अच्छा से। पानी तो अभी तक डाले ही नहीं, तो पानी क्या छोड़ रहे हैं? मतलब पूरा फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा लग गया है। अब इसमें सारा मटेरियल डालते हैं, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। चलिए नमक स्वाद अनुसार जैसा आप लोग को खाना हो वैसा आप लोग डालिएगा, है ना। ये नमक गया और अब कुछ खाना है इधर मसाला जाएगा ज्यादा ज्यादा करके। तो अब देखिए चिकन में जाएगा एक पैकेट पूरा ही चिकन मसाला, पूरा पूरा डाल दीजिएगा, बहुत स्वाद आएगा। अब डालेंगे इसमें हल्दी, ज्यादा करके डालेंगे दोस्तों। चलिए सब कुछ आज ज्यादा ज्यादा। अब बारी है, थोड़ा सा टमाटर भी डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद बहुत अच्छा ही स्वाद आता है। हाँ धुआं लग रहा है, दिख नहीं रहा कुछ। नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा इसको डालने दो, ये धुला हुआ मसाला का मटेरियल। और अब इसको मस्त एकदम खखोरते हैं, देखिए कितना सुंदर। आ गया है, कितना अच्छा लग रहा है। ज़्यादा हल्दी डाले हैं, मसाला भी सब डाले हैं टू जेड। अब आपको दिखाएं, अब आपको दिखाएं। चिकन तो बाद में खाने को मिलेगा, पहले तो हम लोग धुआं ही खा रहे हैं। और पापा चावल अंदर चढ़ा दिए गैस में, क्योंकि इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं कर पाएंगे। चिकन ठीक है क्योंकि बर्तन भी ज्यादा गंदा हो जाएगा और इसके बाद वो उसमें भी काफी टाइम लग जाता है। इसके लिए बच्चे और पापा मिलके काट रहे हैं सलाद। थोड़ी काट रहे हैं। हाँ मतलब तुम लोग देख रही हो। क्या खाएगा किसु? क्या खाएगा? क्या बन रहा है? धुआं वाला है। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है जल्दी बताओ। मामा क्या बना रही है? चिकन खाएगा? कैसे खाएगा? हाँ बहुत दिन बाद खाएगा ना किसु। हाँ ये हो चुका है, अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्रेवी करने के लिए। तो अब इसमें धनिया पत्ता की बौछार होगी। बहुत ही अच्छा टेस्टी लाजवाब बन रहा है एकदम, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पकाए। ग्रेवी बना है, सब कुछ एकदम हो गया है और नीचे अपना हीट में पक रहा है। सारा निकाल दिए इसका लकड़ी और ये हो ही चुका है पूरा, बहुत अच्छा ही खुशबू आ रहा है। आरी है उतारने का, हम तो नहीं सकेंगे क्योंकि बड़ा कढ़ाई है और गर्म भी काफ़ी होगा। तो पापा को बोले पापा उतार दे मेरे। हाँ इधर, हाँ बस रखिए। चलिए पिताश्री आप इसी में गर्म पानी चढ़ा लीजिए, सस्पेन में लेते आइए भर के। इतना लग गया है, इधर मेरा है, किसु का है, शगुन का है, इधर पापा खा रहे हैं, पापा एक ही में लिए हैं। पापा कैसा बना है? बहुत अच्छा है पापा, बहुत टेस्टी है। और पूरा बॉईल हो गया है तो पापा आराम से खा लेंगे, दिक्कत नहीं होगा।
भी खाएंगे, सगुन खाली दो पीस भुजिया हम भी खाएं, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है। और हम ये गैस में भी बना सकते थे लेकिन हम यहाँ पे इसलिए बनाए ना चूल्हे में, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो हमेशा वीडियो देखती है, शायद अभी भी देख रही होगी, तो हमेशा कहती थी कि प्रीति तुम कुछ ऐसा करो, हमको अच्छा लगता है तुमको ये सब बना के बनाते हुए देखना, और बाहर में खाना बनाओ, कुछ भी बनाओ कुछ भी। तो हमारे पास पैसा भी नहीं था और बहुत दिक्कत था, तो हम इसलिए नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अभी सावन कार्तिक खत्म हो गया तो हम तुम्हारे लिए स्पेशली, तुम बोली थी इसीलिए, इतना कष्ट किए धुआं खाए, तुम लाइक कर दो और शेयर कर देना वीडियो को, और एक बहुत बढ़िया से कमेंट कर देना, और थैंक यू तुम बोली इसके लिए, हम थोड़ा सा हिम्मत भी जुटा पाए, नहीं तो ये सब काम तो बस का नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि लेट हो जाएगा, पता नहीं शाम होगा क्या होगा, टाइम पे हो गया, बहुत देर तक हम लोग नाश्ता करके ही जस्ट बैठे थे और शाम एकदम हो गया है, तो तब तक खाना भी हो गया बिल्कुल। पापा को तो बहुत ज़ोर से भूख लगा था इसीलिए पापा इंतज़ार नहीं किए, जस्ट हम लोग ग्रीनरी के बीच में खाना खा रहे, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये खाना अलग ही दे रहा है, एक फील दे रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत इतना कहिए उतना कम है, क्योंकि जो लकड़ी पे बनता है ना दोस्तों उसका एक फ्लेवर एक बहुत ही अलग बन के आता है, बहुत ज़्यादा। अभी हम बोलेंगे भी तो कम है, और हम लोग मिस कर रहे इसके पापा को, वो फिर चला गया बेचारा, अभी रहता तो दबा के खाता और तारीफ भी दबा के करता, घूसा वूसा भी खाता तो उसको भी मिस नहीं करेंगे, दिखाएंगे आप लोग को। चिकन तो बहुत टेस्टी था दोस्तों, इतना ही लाजवाब था जितना कि क्या ही बताएं, आप लोग भी ट्राई करिएगा कभी लकड़ी पे, बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे जैसा बेवकूफ़ी मत करिएगा वरना आपको इतना सारा धोना पड़ जाएगा बर्तन। मैंने क्या किया ना, मिट्टी तो लगाया था लेप, लेकिन पूरी नहीं लगाई तो कहीं कहीं ज़्यादा काला है, अब इसे मुझे छुड़ाना पड़ेगा। हालाँकि मिट्टी जितना दी हूँ उससे तो थोड़ा आराम है, पिछले बार जब मम्मी के यहाँ मैगी पार्टी किए थे तो उसी समय हम समझ गए थे कि इसमें लेप लगाना बहुत ज़रूरी है, और पापा बोल रहे थे कि हम धो देंगे छोड़ दो, लेकिन हम पापा ज़्यादा काम करवाना नहीं चाहते हैं तो बोले हम खुद ही धोएंगे। तो दोस्तों रात के मतलब 8 बज गया, तो ये आया ही है 7:30 बजे, आया हाथ पैर धोया और हम इसको बोले जल्दी से खा लो, क्योंकि हमको आप सभी को फीडबैक भी देना है, ये जब तक अपना चोंचला पाची नहीं करेगा तब तक ब्लॉग भी तो अधूरा है। ए बताओ अच्छा बनाई हो, अच्छा बनाई हो, वो वहां पे बन, उनको बताओ कैसा क्या अलग लग रहा है ये बताओ, लकड़ी पे क्या खास लग रहा है तू बता, जला हुआ खुशबू आ रहा है थोड़ा धुआं का, स्मोक करता है इसीलिए। गांव में लकड़ी पे बना हुआ खाना खाया है ना रे, कहो ना तुम्हारे घर में सब झुरिये में खाना बनाता है, झुरी मींस लकड़ी, मजाक कर रहा है, स्मोक स्मोक नहीं करता है, यही है बिना पीले इतना बोलता है, पीता तो पता नहीं और क्या करता, मारते मारता तो कुचा भी जाता, जिस दिन पी के टर रहता ना उस दिन हाथ पर बांधते तो गोड़ हाथ और दम धड़म बम में मारते एकदम। ए अभी आ गई बकने, बको मैं आपको खाना हूं, बोलो जा। नहीं बता सकते, माफ कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ लेंगे आप सभी से विदा, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो चार्ज में लगा हुआ है, थोड़ी देर होगा जब हमारे सोने का बारी आएगा तो ये वर्किंग मोड पे आ जाएगा, और वर्किंग मोड पे आएगा तो हमारा सोना हराम कर देगा, फिर हम कहेंगे तुम सुलाओ, ये कहेगा तुम सुलाओ, तुम्हारे पास जाना चाहता है, और इसी तरह हमारा रात बीत जाता है। चलिए बाय बाय पापा, आप भी बोलिए, पापा हाथ बाहर नहीं निकालते क्योंकि हाथ में भी ठंडा लगता है पापा को, चलो खा लो, और जो भी लकड़ी पे बना हुआ खाना खाइए अच्छा लगता है, हाँ वाकई में अच्छा लगता है, लेकिन इसको लकड़ी पे बना हुआ खाना खाए इसको क्या ही मालूम कि कितना जद्दोजहद के बाद इसके मुंह तक ये खाना जा रहा है, कितना धुआं हमारे फेफड़े में गया है, बाप रे बाप, नहीं बने वो कहियो ना बने वो